بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام اس سلسلے میں ہم نماز کا مختصر طریقہ اپ کو ये रसाला बना में फैज़ान नमाज अमीर अहल सुन्नत हजरत अमा मोहम्मद अल्यास तारदरी दामद बरकत हम आलिया की तालीफ नमाज के अहकाम से माखूज है दरूद शरीफ की फजीलत हजूर अक्रम सल्ह वसलम ने नमाज के बाद सना दरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया दुआ मांग कबूल की जाएगी सवाल कर दिया जाएगा सलोल हबीब सल्लाहमद नाजरीन कराम रोजाना खुद भी याद करें और अमल करें और अपने बच्चों को भी याद करवाएं अपने दोस्त अहबाब अजा कारिब के साथ शेयर भी कीजिए इनशा शुक्रिया जजाकमल खैरन व अहसन जजा नमाज की छह शरायत नंबर एक तहारत नंबर दो सत्र औरत नंबर तीन इस्तबाल कबिला नंबर चार वक्त नंबर पांच नीयत नंबर छह तकबीर तहरीमा नमाज के सात फरज़ हैं नंबर एक तकबीर तहरीमा नंबर दो क्याम नंबर तीन किरात नंबर चार रुकू नंबर पांच सुजूत नंबर छह काद आखीरा नंबर सात खरूज बेसुनाही नमाज के तीस वाजिबात हैं नंबर एक तकबीर तहरीमा में लफ्स अल्लाह अकबर कहना नंबर दो फर्जों की तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी तमाम नमाजों की हर रकत में अलहमद शरीफ पढ़ना सूरत मिलाना या कुरान पाक की एक बड़ी आयत जो छोटी तीन आयतों के बराबर हो या तीन छोटी आयतें पढ़ना नंबर तीन अलहमद शरीफ का सूरत से पहले पढ़ना नंबर चार अलहमद शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और बसमिल्लाम के अलावा कुछ और न पढ़ना नंबर पांच करत के फौरन बाद रुकू करना नंबर एक सजदे के बाद बिल तरतीब दूसरा सजदा करना नंबर सात तादिल अरकान यानी रुकू सुजूद कोमा और जलसा में कम अज कम एक बार सुबहानल्ला कहने की मकदार ठहरना नंबर आठ कमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना बाज लोग कमर सीधी नहीं करते इस तरह उनका वाजिब छूट जाता है नंबर नौ जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना बाज लोग जल्दबाजी की वजह से बराबर सीधा बैठने से पहले ही दूसरे सजदे में चले जाते हैं इस तरह उनका वाजिब तर्क हो जाता है चाहे कितनी ही जल्दी हो सीधा बैठना लाजमी है वरना नमाज मकरूह तहरीमी वाजिब अलदा होगी नंबर दस कद ऊला वाजिब है अगरचे नमाज नफल हो दरअसल नफल का हर कादा कादा अखीरा है और फर्ज है अगर कादा ना किया और भूल कर खड़ा हुआ तो जब तक उस रकत का सजदा ना कर ले लौट आए और सजदाय साहब करे अगर नफल की तीसरी रकत का सजदा कर लिया तो चार पूरी करके सजदाय साहब करे सजदा साहब इसलिए वाजिब हुआ कि अगरचे नफल में हर दो रकत के बाद कादा फर्ज है मगर तीसरी या पांचवी अला हाजुल कयास रकत का सजदा करने के बाद काद ऊला फर्ज के बजाय वाजिब हो गया नंबर ग्यारह फर्ज वित्र और सुनत मौकदा में तशाह यानी अताहियात के बाद कुछ न बढ़ाना नंबर बारह दोनों कादों में तशाह मुकम्मल पड़ना अगर एक लफ्स भी छूटा तो वाजिब तर्क हो जाएगा और सजदा साहब वाजिब होगा फ़र्ज़ वितर और सुनत मौदा के क्वादा उला में तशाह के बाद अगर बेखयाली में अल्लास महम्मद या अल्लासल अला सना कह लिया तो सज्ज साहब वाजिब हो गया और अगर जानबूझ कर कह लिया तो नमाज लौटाना वाजिब है नंबर चौदह दोनों तरफ सलाम फेरते वक्त असलाम दोनों बार वाजिब है लफ्स अलईकुम वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है नंबर पंद्रह वितर में तकबीर कनूत कहना नंबर सोलह वितर में दुआ कनूत पढ़ना सत्रह ईदैन की छह तकबीरें अठारह ईदैन में दूसरी रकत की तकबीर रुकू और इस तकबीर के लिए लफ अकबर होना जहरी नमाज मसलन मगरब और इशा की पहली और दूसरी रकत और फजर जुमा ईदैन तरावी और रमजान शरीफ के वितर की हर रकत में इमाम को जहर यानी इतनी बुलंद आवाज के कम अज कम तीन आदमी सुन सके सिकरात करना गैर जहरी नमाज मसलन जोहर असर में आहिस्ता किरात करना नंबर इक्कीस हर फर्ज और वाजिब का उसकी जगह होना नंबर बाईस रुकू हर रकत में एक ही बार करना नंबर तेईस सजदा हर रकत में दो ही बार करना नंबर चौबीस दूसरी रकत से पहले कादा ना करना नंबर पच्चीस चार रकत वाली नमाज में तीसरी रकत पर कादा ना करना नंबर छब्बीस आयत सजदा पढ़ी हो तो सजदा तिलावत करना नंबर सत्ताईस सजदाय साहब वाजिब हुआ हो तो सजदाय साहब करना नंबर अट्ठाईस दो फर्ज या दो वाजिब या फर्ज और वाजिब के दरमियान तीन तस्बी की कदर यानी तीन बार अल्लाह कहने की मकदार वकफा ना होना नंबर उनतीस इमाम जब कैरात करे खाब बुलंद आवाज से हो या आहिस्ता आवाज से मुक्तदी का चुप रहना नंबर तीस قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا قنوت اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلو ونترك من يفجرك तर्जुमा है कि ए अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे बख्शिश मांगते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरी बहुत अच्छी तारीफ़ करते हैं और तेरा शिक्र करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और अलग करते और छोड़ते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करें अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते और सजदा करते हैं और तेरी ही तरफ दौड़ते और खिदमत के लिए हाजिर होते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं बेशक तेरा अजाब काफिरों को मिलने वाला है दुआ कनूत के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना बेहतर है जो दुआ कनूत ना पढ़ सकें वो ये पढ़ें फिरली या ये तीन बार पढ़ दें या रबी सजदा सहव का तरीका अताहियात पढ़कर बल्कि अफजल यह है कि दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए सीधी तरफ सलाम फेरकर दो सजदे कीजिए फिर तशाहद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर दीजिए नमाज की रकतें ये हैं नमाज फजर दो सुन्नत मौकदा दो फर्ज कुल चारकतें नमाज जहर चार सुनत मौकदा चार फर्ज दो सुनत मौकदा दो नफिल कुल बारह रकतें असर चार सुन्नत गैर मौकदा चार फर्ज कुल आठ रकतें मगरब तीन फर्ज दो सुनत मौकदा दो नफिल कुल सात रकतें इशा चार सुन्नत गैर मौकदा चार फर्ज दो सुनत मौकदा दो नफल फिर तीन वितर वाजिब इसके बाद फिर दो नफल कुल सत्रह रकतें जुमा चार सुन्नत मौकेदा दो फर्ज चार सुन्नत मौकेदा दो सुन्नत फिर दो नफल कुल चौदह रकतें दरावी सुबह वल मलकूत سبحان ذي العزة والعزمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرني من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. बेरहतिक तर्जुमा पाक है मुल्को मलकूत वाला पाक है इज्जत व बरतरी और जलालो कुदरत और बड़ाई और जबरूत वाला पाक है बादशाह जो जिंदा है जो ना सोता है ना मरता है पाक मुकद्दस है हमारा रब और रब फरिश्तों और रूह का ए अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से निजात अताफरमा एल्लाह ए निजात देने वाले ए निजात देने वाले ऐ नजात देने वाले अपनी रहमत के सबब हम सब पर रहम फरमा ऐ सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाले तकबीर तशरीक नवी जुल्हजा हराम की फजर से तेरहवीं की असर तक पांचों वक्त की फर्ज नमाजें जो मस्जिद की जमात ऊला के साथ अदा की गई उनमें एक बार बुलंद आवाज से तकबीर कहना वाजिब है और तीन बार अफजल इसे तकबीर कहते हैं और वो ये है الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد <applause> ناظرین کرام روزانہ خود بھی یاد کریں اور عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کے ساتھ شیر بھی شاء الله شکریہ جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء